दिनांक 1 फरवरी को थाना सरायमीर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि बैटरी चोरी के विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्त मिथेश बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल तेजी से भगाते हुए हसनपुर चौराहे की तरफ ले जा रहा है। इस सूचना पर एसओ सरायमीर में हमलावरों के साथ हसनपुर रोड पर चौराहे पर चेकिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा देखा गया एक मोटरसाइकिल चालक बहुत तेजी से गाड़ी को भगाते हुए ले जा रहा है। उनके द्वारा जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायर किया जो उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे उसमें गोली लगी है। घायल को तुरंत ही CSC खेरवा रेफर किया गया है और इसकी पहचान मिथेश पुत्र के रूप में हुई है। ये निजामत थाना निजामत का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 वर्ष है। ये 25,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त है और इसने बताया है पूछताछ में कि बैटरी चोरों के गैंग के रूप में ये कार्य करता रहा है और बैटरी और अन्य कीमती सामान टावर से चुराता रहा है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में अन्य विधि कार्रवाई शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।